हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई पनीर की रेसिपी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है तो घर में मेरे सभी को बहुत पसंद आई थी अगर आपको ये भी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ में बेलाइकन प्रेस करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने सबसे पहले ली है दो मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बड़े पीसेस में कट किया है और मैंने लिए हैं दो टमाटर मीडियम साइज़ की इसे भी मैंने बड़े पीसेस में कट किया है और एक शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने क्यूब्स में कट किया है उसके बाद मैंने 600 ग्राम तक के पनीर लिया इसे भी मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं खड़े मसाले तो उसमें सबसे पहले लिया है डेढ़ टेबल स्पून तक के साबुत धनिया इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था तो इसे ज़रूर डालें दो तेज़ पत्ता और यहाँ पे एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और यहाँ पे मैंने एक टीस्पून तक के ज़ीरा लिया है इसके बाद मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है सात आठ दाने अगर आपको काली मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी से और ज़्यादा ले सकते हैं अब सभी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे जब तक इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती तो देखिए यहाँ पर अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं अब हम इसे ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन लिया है फिर से उसे मैंने हाफ कीप तक के सरसों का तेल डाला इसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता ज़्यादा देर तक हमें फ्राई नहीं करना है तो मैं यहाँ इसे थोड़ा सा कवर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी छीटे आ रही तो दस मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे उससे ज़्यादा देर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसे हम थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए जो हमने प्याज बड़े टुकड़ों में काटा था उसे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी देर के बाद शिमला मिर्च दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे दस मिनट के लिए हाई फ्लेम पर तो 10 मिनट फ्राई होने के बाद देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है प्याज़ और शिमला मिर्च में अब हम इसे भी निकाल लेते हैं इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और तेल लिया है पैन में उसके बाद हम इसमें डालेंगे टू टी तक के अदरक लहसन का पेस्ट इसको हम अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज़ की प्याज़ ये मैंने स्लाइस में कट कर रखी है कोई भी साइज़ में कट कर ले क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है बाद में उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता तो मैं यहाँ पे साथ में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार उसके बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता तो देखिए यहाँ पंद्रह मिनट पकने के बाद अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली और इसमें सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है और उसमें हम डालेंगे प्याज और टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था और इसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले जो हमने पाउडर बना के रखा था और इसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून तक के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी डेढ़ मिर्च पाउडर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम तब तक के भुनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तो देखिए यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है ऑयल सेपरेट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे फोर टीस्पून तक के क्रीम अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो उसकी जगह पे आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं बस उसे अच्छे से फेट लें जब डालें तो ये बिल्कुल क्रीम का टेक्सचर आ जाता है तो मैं यहाँ पे मलाई ही डाल रही हूँ पर आप क्रीम भी डाल सकते हैं अगर आपके पास क्रीम है तो मैं मलाई डाल के आपको दिखा रही कि उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें उसके बाद जब इसमें अच्छे से क्रीम मिक्स हो जाएगी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मसाले सारे पक चुके हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और प्याज डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतना पानी डालें उसके बाद हम इसे कवर करके पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए तो देखिए 10-15 मिनट पकने के बाद इसमें अच्छे से बॉयल आ चुकी है उसके बाद हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी और इसे पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और हम पकाएंगे तो लीजिए यहाँ पे हमारी कढ़ाई पनीर बनके तैयार है तो मैंने इसे कढ़ाई में सर्व किया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे ज़रूर ट्राई करें तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अलविदा